हरि ओम तत्सत। आज जब मैं सुबह सुबह मंदिर से लौट रहा था, प्रायः यह हमारे दैनिक नियम में है कि सुबह मंदिर जी जाकर के थोड़ा भगवान का दर्शन करना, क्योंकि हम लोग निर्गुण के साथ साथ सगुण उपासक भी है। जब मैं मंदिर से लौट रहा था तो एक सज्जन मिले और पूछे कि पांडे जी आप कहाँ से आ रहे हैं। हमने स्वभावतः कहा कि मंदिर जो है मैं गया था। तुरंत उनने एक श्लोक सुना दिया, एक जो है चौपाई सुना दिया कि मंदिर मस्जिद बैर कराते। अब जिनने भी ये लिखा उस समय के हिसाब से कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्रेम कराती मधुशाला। अब इस विषय पर मैंने उनको कुछ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया और मैं उल्टा सोचा कि मंदिर मस्जिद प्रेम कराते, बैर कराती मधुशाला, जीवन बेकार करती है ओ मधुशाला, ओ मदिरालय। देवालय तो हमेशा ऊर्जा का स्रोत रहा है, मंदिर या जो भी प्रार्थना कक्ष है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है, चर्च सबसे ऊर्जा का स्रोत है। यदि हम अपनी सनातन संस्कृति को देखें, हम तो सिर्फ मंदिर की बात करें, मंदिर क्या है, एक सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह स्थल है, जहां सतत ही सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, उसका सतत प्रवाह है। वहां पर आप जाकर के शांति, सुकून और भगवान का जो है स्मरण कर पाते हैं, कीर्तन कर पाते हैं, तब तो मंदिरों का इतना महत्व है। अब समय के साथ महत्व नहीं बदला है, बल्कि लोगों के विचार बदल गए हैं। जब गलत आदमी स्वर्ग में जाता है तो वहां भी वो जाकर के नरक बना देगा, और यदि सुंदर, स्वस्थ और सुविचार से व्यक्ति नरक में भी जाएगा तो उसको भी स्वर्ग बना देगा। ये स्वर्ग और नरक जो है ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम किसी पंडित और पुजारी को देख करके किसी मंदिर को हम गलत बोल देते हैं तो ये तो गलत है, क्योंकि पुजारी या जितना आप देखेंगे, हो सकता है कि ज्यादातर खाओ कमाओ लोग ही हैं, अपने रोजी रोटी के कारण मंदिर से या मस्जिद से या किसी चीज से जुड़े हैं, तो उनका एक अलग है, उनके चलते हम मंदिर को गलत नहीं बोल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि जब व्यक्ति मंदिर जाता है तो किस भाव से जा रहा है, उसका क्या औचित्य है जाने का। गलत व्यक्ति जाएगा मंदिर में तो वहां भी गलत ही मांग करेगा, मांगने की उसकी आदत है, तो अपनी समृद्धि कम मांगेगा, दूसरे की जो है वो अपने दुश्मनों को कि हे भगवान उस दुश्मन को मार डालो, हे भगवान उसको ये कर डालो, हे भगवान उसको वो कर डालो, हे भगवान हमें खूब धन दे दो, हमें खूब संपत्ति दे दो, वह इसी में लगा रहता है। तो ये तो व्यक्ति की गलती है ना, मंदिर तो वही है। मैं तो एक प्रोफेसर होने के नाते क्लास में सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता हूं, उसमें से दो चार बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं, दो चार बच्चे बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाते हैं, तो हम क्या कहें कि पढ़ाने वाला गलत है। ये तो सबकी अपनी अपनी क्षमता है कि वो क्या ले रहा है, मैं तो वही दे रहा हूं जो सबको दे रहा हूं। एक बादशाह बन जाता है, एक जो है बर्बाद हो जाता है, एक सिकंदर बन जाता है, दूसरा बंदर बन जाता है। पढ़ाने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन वह व्यक्ति कैसा है, वह कैसा संस्कार लेकर के मंदिर में जा रहा है, तो एक तो ये पहली बात है कि वो व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। अब बात आती है कि उस देवालय की और उस मदिरालय की, क्या दोनों में समान अंतर है, क्या उस व्यक्ति ने जो मुझे कहा कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, तो क्या उस सचमुच देवालय जाने से व्यक्ति को व्यक्ति से बैर हो जाता है? नहीं, असली प्रेम वही होता है। देखिए, मंदिर या राम में या रम में, देवालय में और मदिरालय में अंतर क्या है? दोनों जगह व्यक्ति गिरता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह व्यक्ति गिरता है, लेकिन एक भगवान के चरण में गिर रहा है और एक नाले में गिर रहा है। अंतर साफ है कि व्यक्ति को आनंद कहाँ मिलता है, किसी को भगवान के चरणों में। मैं बार बार बोलता हूं राम चरण सुखदाई, तो हमको राम चरण में सुख मिलता है, गिरना तो हमको भी है, भक्ति में गिर गया, और वो भी मदिरालय जाकर के नशा में गिरता तो है, लेकिन कहां, नाला में उसको सुख मिलता है, कहां, नाला में।
अंतर यही है दोनों में। एक जीवन को समर्पण करके सुख मिलता है, एक को अहंकार। जब व्यक्ति नशा व्यसन करता है तो देखिए अहंकार में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर डालता है। अहंकार जीवन को बेकार बनाता है और जीवन को सत्यनाश कर देता है। मदिरालय जीवन का सत्यनाश करते हैं और देवालय जीवन में सत्य नारायण की अनुभूति कराते हैं। ये मंदिर मस्जिद ही प्रेम कराती है, बैर तो कराती है मधुशाला। वहां बैठ करके आप जीवन बर्बाद करते हैं, परिवार बर्बाद करते हैं, अपना धन और धर्म बर्बाद करते हैं। नीच बुद्धि ही कोई ऐसा है जो मदिरालय का देवालय से तुलना कर दे और ये शब्द बोले कि जो है मंदिर मस्जिद बैर कराते। अरे बैर करने वाला तो इंसान है, मंदिर मस्जिद का इसमें क्या रोल आ गया? वो तो सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह है, इसके पीछे कितना बड़ा आर्किटेक्ट है, कितना बड़ा विज्ञान है, उसको तो समझने की कोशिश कीजिए। कभी जा करके तो देखिए, आप नशा व्यसन करते हैं, इतना गलत काम करते हैं, क्या मिलता है? कुछ मिलता है क्या? आप एक बार भगवान के चरण में जाकर के झुक करके जाइए तो सही, मंदिर में एक घंटा बैठिए तो देखिए तो क्या मिलता है, एक बार वो भी तो जो है अनुभव कीजिए। गिरना दोनों जगह है, एक माला जपते रहता है और जो व्यक्ति माला जपता है 108 बार ना, उसको कभी 108 की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो मदिरालय जाता है आए दिन अस्पताल भी जाता है। अच्छा, आनंद दोनों जगह है, यहां होश पूर्वक आनंद है। राम 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 रटते हैं, रामा राम राम रटत रटत बितल रे उमरिया। कि उम्र बीत जाती है, उसका अपना एक अलग होश पूर्वक आनंद है और उस आनंद में जो दारू पी करके मदिरालय नशा व्यसन कर करके वो जो आनंद ले रहा है वो बेहोशी का आनंद है। वो बेहोश है, उसको यही होश नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपने धन को, हम अपने धर्म को, अपने परिवार को, अपने शरीर को, शारीरिक आर्थिक सामाजिक सारा वो सत्यानाश कर डालता है। तो मन किसी चीज से भरता नहीं है, जो भक्ति भाव में है भगवान की पूजा करता है, देखिए दिन रात पूजा करता है, उसका भी मन नहीं भरता है। उसके पास कुछ नहीं है, जीवन तो अमीरी में सब लोग जी लेते हैं, फकीरी में भी वह आनंद लेता है, वो सुखी रहता है, उसका जीवन जरा देखिए। दूसरे तरफ भी देखिए, कामना से, क्रोध से, मद से, लोभ से, कपट से, छल से वो भरा हुआ व्यक्ति, ईर्ष्या तृष्णा से भरा हुआ व्यक्ति, उसका भी मन नहीं भरता है। सुबह उठने के साथ ही धन के पीछे दौड़ता है और फिर शाम में मदिरालय में दौड़ता है और फिर रात में डॉक्टर के यहां दौड़ता है और धन परिवार और सब जो है उसके पीछे अपना जीवन बर्बाद कर, क्या मिलता है? आप उसको बोलते हैं कि आनंद मिलता है, आप उसको बोलते हैं मधुशाला है और मेरे जो है मंदिर को, मेरे जो है प्रार्थना कक्ष को आप बोलते हैं ये बैर कराता है। ये बैर नहीं कराता है, बशर्ते आप समझे तो, आप थोड़ा राम की बात माने तो, आप राम को मानते हो, राम की मानो। राम क्या कहते हैं? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल चित्र न भावा। आप राम की सुनिए, राम क्या कहते हैं? काम क्रोध मद लोभ मत करो, नशा व्यसन मत करो। आपको कहते हैं कि मन में कोई कपट छल छिद्र कुछ मत रखो, तो उस राम की सुनिए। मंदिर जाने का औचित्य यही है, हम मंदिर जाकर के भी यदि हम राम को तो पूजा, राम को तो खूब मानते हैं और राम की नहीं मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की बात को नहीं मानते हैं, कभी गीता अध्ययन नहीं करते हैं और अध्ययन करते हैं तो उसको हम जीवन में नहीं उतारते हैं। गीता में बार बार यही किया कहा गया है कि अहंकार जीवन को बेकार कर देता है। अहंकार एक दीवार है परमात्मा और हमारे बीच में, और इस दीवार को तोड़ करके प्रेम का दीवार बनाना है, प्रेम का द्वार बनाना है, तभी तो हम वहां तक जा पाएंगे। लेकिन हम अहंकार के बलबूते ये जीवन जीना चाहते हैं और फिर तर्क देते हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, वो बैर नहीं कराते हैं, बैरी तो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे मन में अहंकार है कि हम बड़े हैं, हम पढ़े लिखे हैं,
इस धरती पर जितना पढ़े लिखे लोगों ने नुकसान किया है, उतना अनपढ़ लोगों ने नहीं नुकसान किया है। तो भक्ति से जीवन में समरसता आती है, लोगों का विश्वास आपके ऊपर आता है, जीवन में उन्नति आती है, शांति आता है, जीवन में उमंग आता है, एक ऊर्जा मिलता है आपको। और उस मदिरालय में जाने से जीवन में क्या मिलता है आपको? काम, क्रोध, धन की लालच, बीमारी, आलस्य, अहंकार, प्रमाद, यही सब तो मिलता है। तो अब आपको जो है यह निर्णय लेना है कि हमें क्या चाहिए, राम की भक्ति चाहिए या रम चाहिए, ऋषि पुत्र बनना है कि शिशि पुत्र बनना है। अब आप दोबारा आप खुद जो है निर्णय लीजिए कि मंदिर मस्जिद बैर कराते प्रेम कराते, मतलब कौन सा प्रेम, कौन सा प्रेम शराबियों में, कौन सा प्रेम होता है, क्षणिक प्रेम होता है, कब क्या बोल देंगे, कब एक दूसरे को मार बैठेंगे। और घर में तो उनका देखिए तो क्या हालत है, न बच्चे खुश, न बीवी खुश, न खुद खुश। आप किस मंदिर को जो है वो मदिरालय से तुलना लोग कर देते हैं, किस व्यक्ति ने किया। अब जिस व्यक्ति ने किया हो सकता है वो बड़ा व्यक्ति हो, मैं भी जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो अच्छा व्यक्ति हो सकता है, समय की उस समय की उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल मैच नहीं करती है उनसे। हमारी यह सोच बिल्कुल नहीं कहती है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज तो, हम तो मनु के पुत्र हैं, मनु भगवान के पुत्र हैं, हम लोग बंदर के, हमारे वंशज, हमारे पूर्वज बंदर नहीं हैं, हमारे पूर्वज भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, उनके पूर्वज बंदर रहे होंगे, जो इस थ्योरी को मानते हैं उनके पूर्वज बंदर रहे होंगे, उनके दादाजी, नानाजी, काकाजी का नाम पूछे, हो सकता है कि उसके पहले वो बंदर लगाए, लेकिन हम तो श्री लगाते हैं, श्री मतलब भगवान, सुंदर, क्योंकि हमारे पूर्वज तो भगवान हैं। तो जीवन में सबको एक दिन चले जाना है, ये सत्य है, परम सत्य है कि सबको एक दिन जाना है। आत्मा कहां चले जाती है किसी को नहीं पता है। इस घर में आप एक लाइट जलाइए, अंधकार चले गया, कहां चले गया आपको पता नहीं चलता है। पानी के एक बूंद सागर में मिला दीजिए, समुद्र बन जाता है वह पानी का बूंद। उसी तरह आत्मा ये परमात्मा में मिल जाता है, फिर आप खोजेंगे कि हमने एक जो बूंद गिराया था वो मुझे चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, संभव नहीं है। वो मिल गया, कहां गया? एक व्यक्ति एक जो है रोशनी दीपक लेकर के कहीं जा रहा था, तो एक तार्किक व्यक्ति उसको रोक लिया, बोला कि बताओ ये रोशनी इसमें कहां से आया, अभी तो रोशनी नहीं था, माचिस हम जलाए तो रोशनी आ गई, रोशनी कहां से आया? वो थोड़ा सा रुका, वह भी कम बुद्धिमान नहीं था, उस दिया को, उस दीपक को, उस रोशनी को फूक मार दिया और बुझा दिया और पूछा कि चलो अब तुम बताओ ये गया कहां, रोशनी, ये रोशनी कहां गया, तो ये कहां चले गया जो है, ये आत्मा परमात्मा में, ये जो है अनंत में जब मिल जाता है, जब उसका अंत हो गया, क्रोध जब प्रेम में मिल गया, क्रोध तो होता ही नहीं है, क्रोध क्या है, नकारात्मक ऊर्जा का एक जो है निकालने का तरीका है, तो वो कहां चले गया? जब प्रेम आ जाएगा जीवन में तो क्रोध ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो जब आप मंदिर जाएं तो आप भगवान की भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान का कुछ अपने जीवन में उनकी बातों को उतार करके चलिए कि हमें नशा व्यसन नहीं करना है। अरे नशा व्यसन से आज तक किसका भला हुआ है? यदि आपको लगता है कि नशा व्यसन करने से किसी का भला हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिखिए, मैं भी जानना चाहता हूं। आज तक सबका सत्यानाश ही हुआ है, सब गिरे ही हैं, उठा कोई नहीं है। जीवन में उन्नति चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो भगवान के शरण में आइए, मंदिर में जाइए, मदिरालय में नहीं। इसलिए ऐसे मूर्खों के बात को कभी भी दिल पे मत लगाइए कि मंदिर मस्जिद जो है, मंदिर मस्जिद प्रेम कराते, ये याद रखिए, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे सब प्रेम कराते हैं, आपके अंदर प्रेम होनी चाहिए। आपको नहीं जाना है कोई बात नहीं है, लेकिन लेकिन जाने वाले के निष्ठा के ऊपर, जाने वाले के आस्था के ऊपर
आपको प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।